नमस्कार, दी बॉस न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। सहरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अंतर्राज्य चोर गिरोह के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चार चोर को गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है ये सभी चोर आए हैं वो सभी का कनेक्शन जो है दूसरे राज्य में भी था और महंगी मोबाइल की चोरी करते थे। वो तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, सहरसा सदर थाना की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहाँ जो हेडक्वार्टर DSP एजाज हाफिज मनी है वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं और तमाम जानकारी भी दिए जा रहे हैं। तो जो सहरसा पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, यह कामयाबी सहरसा पुलिस को सदर थाना क्षेत्र के बड़ी दुर्गा मंदिर के समीप मिली है। इसको लेकर पहले जो हेडक्वार्टर DSP एजाज हाफिज मनी वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुने। एक्चुअली 5 अक्टूबर 2022 को हमारे यहाँ के अजय कुमार जो सिमराहा वार्ड नंबर 35 के रहने वाले हैं और पिंटू कुमार भगत ये भी सहरसा के रहने वाले हैं, इन दोनों के द्वारा बताया गया कि इनका मोबाइल चोरी हो गया है, जिसके आधार पर हम लोगों ने सहरसा सदर थाना केस दर्ज किया। कांड संख्या 755/22 5 तारीख को ही दर्ज किया गया। दर्ज करने के बाद फिर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और टेक्निकल टीम का पूरा हेल्प लिया गया। टेक्निकल टीम के हेल्प से ये पता चला कि ये मोबाइल चोर इसी इलाके में आसपास है और उसी टीम के सहयोग से और हमारे जो SHO हैं इन लोगों ने मिल करके बड़ी दुर्गा मंदिर के पास से एक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह को पकड़ा। वहाँ पर बड़ी दुर्गा मंदिर के पास से ये किशन नोनिया और विशाल कुमार नाम के दो चोर पकड़े गए और इनके निशानदेही पर फिर हम लोगों ने रेलवे स्टेशन के पूर्वी कॉलोनी के पास से दुर्गा मंदिर के पास से दो और लोग सुपौल महतो और छोटू कुमार को पकड़ा, जिनके पास से एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया। उस पिट्ठू बैग में कुल चोरी के 19 मोबाइल और 4 इन लोगों के मोबाइल, कुल 23 मोबाइल बरामद किए गए और साथ में एक बाइक भी बरामद की गई। ये जो चोर का गिरोह है ये अंतर्राज्यीय स्तर पर चोरी करता है और इसमें जो विशाल कुमार, किशन नोनिया और सुपौल महतो हैं ये तीनों झारखंड के रहने वाले हैं, झारखंड के साहबगंज जिला के रहने वाले हैं और इन लोगों का पूरा नेटवर्क है जिससे चोरी का मोबाइल खरीदते भी हैं और चोरी करते भी हैं। और साथ में चौथा जो छोटू कुमार है ये बुद्धूचक भागलपुर का रहने वाला है। इन लोगों के विरुद्ध ये कांड दर्ज करते हुए गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, छीना झपटी भी करता है क्या? अभी अनुसंधान किया जा रहा है छीना झपटी के संबंध में, चूँकि ये बाहर के हैं, छीना झपटी के संबंध में अभी कुछ स्पष्ट सूचनाएं नहीं हैं, लेकिन मोबाइल चोरी में विशेष रूप से इनका हाथ है और इनके पकड़ा जाने और इनके निशानदेही पर और फर्दर अनुसंधान करके उम्मीद है कि हम लोग और स्थानीय स्तर पर भी जो मोबाइल चोरी में संलग्न लोग हैं उनका भी पता करेंगे और बहुत जल्दी और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ तो सर अनुसंधान की जा रही है, अगर वैसे कोई तथ्य अनुसंधान क्रम में आएगा तो इसकी सूचना आपके साथ शेयर की जाएगी। आखिर इतने मोबाइल का उपयोग अब समझ सकते हैं कि अन्य चीज़ों में भी, अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी, आपराधिक कार्यों में भी इनका उपयोग हो सकता है। सुना क्या कुछ जो हेडक्वार्टर DSP एजाज हाफिज मनी है वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुल 4 चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इनके पास से जो 22 चोरी किए गए मोबाइल है वो बरामद किए गए हैं, एक बाइक भी बरामद किया गया है। अंतर्राज्य चोर गिरोह के सदस्य हैं ये और 4 चोर को जो है फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है और उम्मीद लगाया जा रहा है कि और आगे भी चोर को की गिरफ्तारी जो है वो की जाएगी। इसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है।